हेलो फ्रेंड्स, वीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा था, आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की क्या डेफिनेशन है। वैसे तो मशीन के जो भी पार्ट होते हैं वो सब हार्डवेयर में ही आते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर की डेफिनेशन इस तरह से है। इन कंप्यूटर साइंस एवरी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर का जो भी पार्ट होता है, जो फिजिकली हमें दिख रहा है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाता है। इन अदर वर्ड्स एवरी टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। यहाँ पे वही बात कही गई है जो कि आपको दिख रहा है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली अवेलेबल है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे मॉनिटर होता है, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर का जो केस होता है, कैबिनेट बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई, डीवीडी रोम जिसमें हम डीवीडी चलाते हैं, मदरबोर्ड, इसको मैन बोर्ड भी कहते हैं, सीपीयू का फैन, रैम, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सब हमारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। इसमें हम आगे देखते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को नहीं छोड़ सकते। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है कंप्यूटर की बनावट, कंप्यूटर को किस सिद्धांत पे बनाया गया है। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम बाय चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को पहली बार दुनिया के सामने रखा। ही इन्वेंटेड ए मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन विच इज ए मॉडल ऑफ टूडेज कंप्यूटर। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था और वो बिल्कुल आज के कंप्यूटर मॉडल पर आधारित थी। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इसलिए उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ही नेवर मेड कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं बनाया, बट ही इंट्रोड्यूस्ड एन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के ऐसे मॉडल को, ऐसे आर्किटेक्चर को दुनिया के सामने रखा जिसपे काम करके आज के कंप्यूटर तक हम पहुंच सके हैं, आज का कंप्यूटर हम बना पाए हैं उस आर्किटेक्चर की मदद से, उस सिद्धांत की मदद से। तो ये क्या आर्किटेक्चर है, यहाँ पे दिखाया गया कि भाई कोई इनपुट डिवाइस होगी। अब तो हम इसे डिवाइस कहते हैं, लेकिन उस समय पे डिवाइस वर्ड यूज नहीं होता था। बस ये पता था कि इनपुट करने के लिए कोई मीडियम होगा, उसके बाद एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा, और प्रोसेसिंग यूनिट के बाद उसको देखने के लिए, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको देखने के लिए एक आउटपुट सिस्टम होगा। इस तरह से उन्होंने आर्किटेक्चर बताया था। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है उसमें सीपीयू के अंदर भी तीन पार्ट दिए गए हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम होता है सभी मैथमेटिकल प्रोसेस करना और लॉजिकल प्रोसेस करना। मैथमेटिकल प्रोसेस होता है 2+2=4, ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, और लॉजिकल प्रोसेस होता है कि 2 और 3 में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये एक लॉजिकल प्रोसेस हो गया। तो इन सबको करने के लिए अलग से यूनिट दिया गया है। और मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का काम होता है कि जो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट वर्क करेगा उसको वो मेमोरी यूनिट में सेव करके रखता है, जिसको हम कैश मेमोरी भी बोलते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर का ये दूसरा, मैंने यहाँ पे एक और इमेज लगाया है, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात यहाँ पे ये है कि भाई इनपुट डिवाइस से डेटा लिया जाएगा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस लिए जाएंगे, उनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा उस रिजल्ट को शो कराया जाएगा। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस को रिजल्ट दिखाने से पहले जो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो डेटा को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करेगा और प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा को लेगा, फिर उसको आउटपुट डिवाइस में शो कराया जाता है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, क्योंकि हमने अब आर्किटेक्चर पढ़ लिया है, तो आर्किटेक्चर में जो जो पार्ट होते हैं अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बाय विच डिवाइसेस वी गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिनके द्वारा हम निर्देशों को और डेटा को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को देते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि सीपीयू को जो हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए देते हैं उनको हम
इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। दे आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, माइक, वेब कैमरा, स्कैनर, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, बारकोड रीडर। ये हमारे कुछ मुख्य इनपुट डिवाइसेस हैं। इससे ज्यादा भी इनपुट डिवाइस होती हैं, लेकिन उनको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब इसी तरह से हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे। बाय विच डिवाइसेस वी गेट रिजल्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन आवर गिवन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे बताया गया कि ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि व्यक्ति उसको पढ़ सके, ऐसी फॉर्म में देखने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। दे आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस, मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्लेटर और प्रोजेक्टर। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारी आने वाली वीडियोज होंगी उसमें। यहाँ पे ये मॉनिटर है, ये एलसीडी मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, ये भी प्रिंटर है, ये प्रिंटर की कार्ट्रेज है, ये भी प्रिंटर है, ये सब, ये प्लॉटर है और ये प्लेटर है। आर्किटेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी। सच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर ए स्मॉल टाइम और लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जो इंफॉर्मेशन को, डेटा को, या तो कम समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए, ऐसी मेमोरी भी होती है जो कम समय के लिए, यानी कि जब तक उनमें लाइट होती है केवल तब तक डेटा को स्टोर करती हैं, और कुछ ऐसी मेमोरी भी होती हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती हैं। तो यानी कि स्मॉल टाइम और लॉन्ग टाइम दोनों पर्पज के लिए जो डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं पार्ट, उनको हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। In other words, we can say that these are data storage devices for immediate purpose or long time purpose. यही मैंने आपको बताया कि ऐसी devices होती हैं, ऐसी storage devices होती हैं जो data को immediate purpose के लिए या फिर long time purpose के लिए store करके रखती हैं। इनके storage के ऊपर memories को दो पार्टों में divide किया गया है, primary memory और secondary memory। ये आपकी primary memory के example है ROM और RAM, और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल ये इधर दिए गए हैं, फ्लॉपी पेन ड्राइव, सीडी, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट माना जाता है कंप्यूटर का, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, एंड इट कंट्रोल All things of computer, computer के सभी चीजों को ये control करता है, and do logical and arithmetical operations on given data. जो इसको data दिया जाता है input devices के द्वारा, उसके ऊपर logical, arithmetical operations करता है, and produce result to output devices. और output devices में show कराने के लिए result को produce करता है. There are three parts of a CPU. CPU के तीन part होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, जो सभी को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोसेस करता है, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी का काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट से जो डेटा प्रोड्यूस हुआ है उसको कैश मेमोरी में स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पर कैश मेमोरी से वापस उसको ले लेता है। ये आपको प्रोसेसर के एग्जाम्पल दिए गए हैं सीपीयू के, इस तरह का होता है सीपीयू। इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching.